नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन CGPSC में। आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं या मुख्य प्रावधान क्या है, इस अधिनियम की उपलब्धियां, महत्व और इस अधिनियम की राह में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इन सभी पॉइंट को हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 5 जून 1972 को स्टॉकहोम नामक शहर में, जो कि स्वीडन में है, मानव पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सम्मेलन में 3 मुख्य निष्कर्ष निकले। पहला था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना करना। दूसरा, 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और तीसरा, पर्यावरण के संकट को दूर करने के लिए 25 सूत्री घोषणा की गई। इसके साथ ही सभी देशों ने यह प्रतिबद्धता दिखलाई कि अपने अपने देशों में पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के लिए कानून का निर्माण करेंगे। ठीक, अब इसी के घटनाक्रम में 1984 में आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश के भोपाल नामक शहर में 2 और 3 दिसंबर को एक कांड हुआ था जिसका नाम है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी में MIC मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस की रिसाव से लगभग 10,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग इससे शारीरिक विकलांग एवं अपंगता का शिकार हुए थे, जिसने भारत को इस कानून के निर्माण के लिए जो है और जोर प्रदान किया। अब देखिए कि इस जो अधिनियम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये जो अधिनियम है इसको लाने का मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। दूसरा है मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को कार्यान्वित करना। तीसरा है कि पर्यावरण संरक्षण पर सामान्य कानून बनाना और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पर्यावरण अवनयन तथा संकटों के मुद्दे को समाहित करना। चौथा है विद्यमान कानूनों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणों का गठन करना तथा उनके क्रियाकलापों के बीच समन्वय स्थापित करना। ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं इस अधिनियम के। अब चलिए देखते हैं अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कुल 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं, जिसमें से पहला जो अध्याय रहता है वह अधिनियम की नाम, विस्तार और प्रारंभ को बतलाता है। तो अध्याय 1 की धारा 1 में इस अधिनियम का नाम रखा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसको जो है 19 नवंबर 1986 से संपूर्ण देश में लागू किया गया है। वहीं धारा 2 इस अधिनियम में जो वर्णित शब्द हैं उसकी परिभाषाएं को बतलाता है। तो धारा 2 में कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, तो धारा 2 में पर्यावरण की परिभाषा बताया गया है। वैसे तो पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण, हमारे आसपास जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं उपस्थित हैं वह पर्यावरण कहलाता है। लेकिन हमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 के अनुसार परिभाषित करना है पर्यावरण को। तो पर्यावरण है क्या, तो देखिए पर्यावरण में जल, वायु, मृदा तथा इनके बीच आपसी संबंध तथा मानव जाति एवं अन्य जीवित जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव तथा संपत्ति शामिल हैं। ठीक, इसी को पर्यावरण कहा जाता है। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषक, इसकी परिभाषा क्या दिया गया है, तो देखिए ऐसे ठोस, तरल या गैसी पदार्थ जो इस सांद्रता में उपस्थित रहते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो।
क्लियर है, यानी ठोस, द्रव और गैस इतनी सांद्रता में उपस्थित है पर्यावरण में जो पर्यावरण को हानिकारक हो, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो, उसको बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषक। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? अब पर्यावरण प्रदूषक का पर्यावरण में उपस्थित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। क्लियर है? तो धारा दो में परिभाषाएं दिया गया है। देखिए कि अब जो केंद्र सरकार की सामान्य शक्तियाँ, ये धारा 3 से लेकर 6 तक केंद्र सरकार की जो सामान्य शक्तियाँ हैं, जनरल पावर हैं, उसको दिया गया है। यह मध्य प्रदेश PSC में 100 शब्द में आया हुआ क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की सामान्य शक्तियाँ। तो अध्याय 2 की धारा 3 से 6 तक सामान्य शक्तियों का उल्लेख मिलता है। देखिए सामान्य शक्तियाँ कौन कौन सी है, तो केंद्र सरकार को पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन व संकटों से सामना करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्य में राज्य सरकारों के कार्य को नियमित करना केंद्र सरकार की शक्ति है। दूसरा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन एवं निष्पादन करना। तीसरा है, पर्यावरण गुणवत्ता के मानक को निर्धारित करना। चौथा है, विभिन्न प्रदूषण स्रोतों से निर्गत होने वाले प्रदूषकों की अधिकतम प्रदूषणकारी सीमा का निर्धारण करना। पांचवा है, उन क्षेत्रों का निर्धारण करना जिनमें सुरक्षा उपायों के साथ विभिन्न औद्योगिक संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक, और देख लीजिए कि पर्यावरण संबंधी दुर्घटना के बचाव के कारगर सुरक्षात्मक तरीके का निर्धारण करना, घातक सामग्री उठाने रखने की सुरक्षात्मक कार्यवाही का निर्धारण करना, औद्योगिक प्रक्रिया व सामग्री आदि का निरीक्षण करना, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु शोध कार्य करना, शोध प्रयोगशालाओं की स्थापना करना तथा ऐसे प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान करना। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सूचना को एकत्र करना, एकीकृत करना व प्रकाशित करना। नेक्स्ट है, मैनुअल गाइडबुक, कोड आदि तैयार करना। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण संबंधी अन्य समुचित कार्य। तो ये कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि पर्यावरण की रक्षा के उपाय के लिए केंद्र सरकार की शक्तियाँ ये धारा 3 में है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की शक्तियाँ कौन सी हैं, तो आपको ये पॉइंट को लिखना है। क्लियर है? चलिए और आगे देखते हैं कि धारा 4 कहता है कि केंद्र सरकार के पास यह पावर है कि वह पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है और उन अधिकारियों को शक्ति एवं कार्य प्रदान कर सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। धारा 5 कहता है कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को निर्देश देने की शक्ति होती है। इसके साथ ही किसी उद्योग परिचालन या प्रक्रम को बंद करने, निषेध या नियंत्रित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। वहीं केंद्र सरकार विद्युत, जल या किसी अन्य सेवा को बंद कर सकता है या निषेध कर सकता है या नियंत्रित कर सकता है यदि उसको लगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। वही धारा 6 कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। अब केंद्र सरकार किस संबंध में नियम बनाएंगे, तो धारा 3 में जितने भी कार्य है उनके संबंध में केंद्र सरकार नियम बना सकता है। जैसे कि वायु, जल, मृदा के मानक के संबंध में नियम बना सकता है, ठीक है, और घातक पदार्थ को उठाने रखने के संबंध में नियम बना सकता है। अर्थात धारा 3 में मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं उन पॉइंट के संबंध में केंद्र सरकार के पास पावर है नियम बनाने की। क्लियर है? तो धारा 6 हो गया पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति। ठीक, अब देखिए कि पर्यावरण प्रदूषण में रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी के लिए क्या प्रावधान किया गया इस अधिनियम में। तो इस अधिनियम की धारा 7 कहता है कि उद्योग परिचालन आदि जारी रखने वाले व्यक्तियों को निर्धारित मानक से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या स्त्राव की अनुमति नहीं होगी, अनुमति नहीं मिलेगा। क्लियर है? वही धारा 8 कहता है कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के साथ खतरनाक पदार्थों का संचालन करने वाले व्यक्तियों द्वारा नियमों का अनुपालन किया जाएगा। ठीक?
ठीक है, यानी सुरक्षा उपाय के साथ जो है खतरनाक पदार्थों का संचालन जो है व्यक्ति के द्वारा नियम के अनुसार किया जाएगा। धारा 9 कहता है कि कुछ मामलों में एजेंसियों व प्राधिकारों को जानकारी या सूचना प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी जगह यदि लगता है कि जो प्रदूषक की सांद्रता जो है मानक तय मानक से अधिक स्रावित हो रहा है, तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है वह सरकार को जानकारी या सूचना प्रदान करेगा। क्लियर है, इसमें यह कहा गया है। वहीं धारा 10 जो है, सरकार को किसी भी स्थान के परीक्षण व निरीक्षण प्रवेश करने की शक्ति प्रदान करता है यदि उसे लगता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। वही धारा 11 कहता है कि सरकार केंद्र सरकार को नमूना लेने की शक्ति व इससे जुड़ी प्रक्रिया की शक्ति होगी। वही धारा 12 कहता है कि केंद्र सरकार पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना कर सकता है और ऐसे प्रयोगशाला की स्थापना को मान्यता भी दे सकता है। वही धारा 13 कहता है कि सरकार जो है विश्लेषकों की नियुक्ति कर सकता है जो पर्यावरण के संबंध में अपना विश्लेषण कर सके। वही धारा 14, सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट अर्थात जो विश्लेषण किए हैं उसकी रिपोर्ट की भी इसमें प्रावधान किया गया है। क्लियर है, ये कुछ जो है पर्यावरण में रोकथाम, पर्यावरण प्रदूषण में रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए प्रावधान है। अब देखिए धारा 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 शब्द में पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में जो है नियम आदेश और निर्देश के उल्लंघन होने पर दंड का कौन सा प्रावधान है। तो देखिए इसमें जो है 5 वर्ष तक की कैद अथवा 1 लाख रुपए तक आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान है। याद रखिए 5 वर्ष तक की कैद अथवा 1 लाख रुपए तक आर्थिक दंड अथवा दोनों। क्लियर है, और यदि पुनः उल्लंघन करते हैं या जारी रहता है तो प्रतिदिन 5,000 रुपए तक के आर्थिक दंड का अतिरिक्त प्रावधान है। क्लियर है, और यदि यह उल्लंघन 1 वर्ष से अधिक अवधि तक जारी रहता है तो कैद की सजा 7 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए, 30 शब्द में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ ही धारा 16 और 17 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में जो है कंपनियों के अपराध के साथ साथ सरकारी विभागों के अपराध को भी शामिल किया गया है। क्लियर है, अब इस धारा में जो है नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। और वहीं धारा 26 के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष रखा जाना है। तो ये जो अधिनियम है उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है या प्रावधान है उसको मैंने आपको बताया। अब चलिए जानते हैं कि इस अधिनियम की चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो पहली चुनौतियां या पहली सीमाएं इसकी देख लिख सकते हो कि समस्त शक्तियां जो हैं वह केंद्र में निहित है। एक तरफ न्यायालय में बहुत सारे केस हैं, उसी प्रकार की पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो मामला है इसको सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान जो है इस अधिनियम में नहीं किया गया है। नेक्स्ट है अपराधों की संज्ञान, ये धारा 19 में है कि अपराधों के संबंध में कोई न्यायालय तब तक कोई संज्ञान नहीं लेगी जब तक कि ये जो दो हैं उनमें से किसी एक की ओर से शिकायत नहीं की जा सकती। ठीक है, या तो सरकार की ओर से शिकायत किया जाएगा, सरकार की ओर से या सरकार द्वारा प्राधिकरण कोई अधिकारी द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा। और यदि व्यक्ति जो है शिकायत करता है तो 60 दिन के भीतर जो है व्यक्ति जो है उस प्राधिकरण को नोटिस जारी करेगा। ठीक है, नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही जो है संज्ञान लिया जा सकता है। क्लियर है, तो इस अपराधों का संज्ञान इसमें आता है जो इसका लिमिटेशन है। और देखिए कि ये जो अधिनियम है इसमें अन्य प्रकार के प्रदूषण जैसे ओजोन परछरण, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन जिसको बोलते हैं, अम्ली वर्षा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसे इन जैसे प्रदूषण का स्थान नहीं है, अर्थात ऐसे प्रदूषण का वर्णन इसमें नहीं मिलता है।
क्लियर है। और देखिए कि जनता का जुड़ाव इस अधिनियम के साथ उतना लेवल में नहीं बना हुआ है जो इसकी मुख्य चुनौतियां हैं, और आज भी जो है प्लांटों में दुर्घटनाओं का होना इस अधिनियम पर सवाल खड़ा करता है। जैसे हाल ही में 7 मई 2020 में जो एलजी केमिकल प्लांट है साउथ कोरिया की विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, वहाँ जो है अभी गैस लीक हो गया। गैस का नाम क्या है आप बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, जहाँ लगभग 10 से ज़्यादा लोग की मृत्यु और 1000 से ज़्यादा लोग जो है बीमार पड़ गए थे। ठीक, तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं, आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसके महत्व में देखा जाए तो इस अधिनियम के द्वारा जो है खतरनाक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर नियंत्रण हो सका है, ठोस अवशिष्टों के निस्तारण पर बल मिला है, अमानक पॉलिथीन नाभिकीय अवशिष्ट कानून भी जो है इसी के तहत बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है इसको छाता विधान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अधिनियम जो है सरकार को शक्ति प्रदान करती है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो पर्यावरण को इफेक्ट पहुंचाते हैं उस पर कानून बना सकता है। तो यह इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस एक्ट का, क्लियर है। यदि इस अधिनियम की विशेषताएं की बात किया जाए तो आप क्या करेंगे, आपको एक ब्रीफ में लिखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य बताना है। उद्देश्य के बाद जो मुख्य मुख्य प्रावधान है, जैसे कि इसमें क्या है, इसमें आपके 4 अध्याय हैं, 26 धाराएं हैं जो 19 नवंबर 1986 को संपूर्ण देश में लागू किया गया है। इस अधिनियम में पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषक, पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में केंद्र सरकार को शक्तियां दिया गया है जो पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और प्रदूषण के रोकथाम के लिए हैं। सरकार को पर्यावरण संबंधित नियम बनाने, निर्देश देने की शक्ति है, नियुक्ति की शक्ति दिया गया है। इसके साथ ही पर्यावरण से संबंधित अपराध के लिए ना सिर्फ व्यक्ति अपितु कंपनी और सरकारी विभागों को भी इसके अंतर्गत लाया गया है। ठीक, और इसमें जो दंड का प्रावधान है वह भी बता देना है, यानी मुख्य मुख्य पॉइंट को आपको बताना है, क्लियर है। तो यह है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।